वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्चून गाइस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच के बारे में, जो कि रोज़ बोल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, और कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और हम अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। कल भी अगर देखो तो आप देखते हो कि मैं लगभग 10 दिन से हमने ये स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं। सो उसमें मैं 3 बार ग्रैंड लीग मिस कर चुका हूँ। सो आज मैंने सोचा, कल भी अगर आप देखो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम थी, मेरी रैंक 32 आई है बल्लेबाजी पर, आप देख सकते हैं। सिर्फ अगर इसमें मैक्सवेल उस ओवर में चहल की बॉल पर आउट ना होते और 5-10 रन बना जाते तो मैं आराम से ग्रैंड लीग जीत जाता। तो यही होता है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा जिससे आपको ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हो सकता है आज आपका दिन हो। सो चलिए हम बात करते हैं, और जुड़ने के लिए आप फैंटेसी फॉर्चून सर्च कर सकते हैं, और चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि रोज़ बॉल में खेला जाएगा साउथहैम्पटन। यहाँ पर पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है, लेकिन आज हाई चांसेस ऑफ रेन है, सो मैच या तो छोटा भी हो सकता है। सो उम्मीद है कि ओवर डिडक्ट होंगे शायद से, और अगर पूरा ओवर होता है, पूरा मैच होता है, तो मेरा जो स्कोर प्रिडिक्शन है वो 260 से 290 का रहेगा। हम प्लेयर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो क्वांटम डी कॉक, जो आज काफ़ी लोगों का कैप्टन होगा, उनका एवरेज है 24, सिर्फ 24 है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और हम आमला की बात करें सो इनका एवरेज है 82 है इनका एवरेज वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। ये 5 सेंचुरी ऑलरेडी बना चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि आमला बहुत ही अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, और उनके हेलमेट पे भी अभी बॉल लगी थी जिसकी वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा था। सो अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं क्रिकेट में सो इनकी वजह से परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है। सो ये चीज़ आपको देखकर चलनी होगी। ताहिर जो हैं इनके 8 मैच में 26 विकेट, सो 3 विकेट से भी ज़्यादा लेते हैं ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। सो हो सकता है आज भी इनका दिन हो। लेकिन और हम बात करें क्रिस गेल की, सो इनकी कोई भी 50 नहीं है 2006 से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसके बिहाफ पर आप एक अच्छी सी ग्रैंड लीग टीम बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की स्मॉल लीग टीम। सो मैंने आपको स्टैट्स इसलिए समझाया ताकि आप कुछ चेंजेस कर सकें, और कॉपी पेस्ट मत करो, ये मेरी टीम है, इस पे इस टीम से मैं खेलने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये पक्का ही जीतेगी। सो आप इन चीज़ों से कॉपी पेस्ट करने से बचें, आप एक दो चेंजेस अपने आप कर सकते हैं, आप अपनी गट फीलिंग के साथ जाएं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, बहुत ही अच्छे पिक्स हैं आज। क्वांटम डिकॉक है, शाई होप है और निकोलस पुरन है, मैं तीनों के साथ गया हूँ। आप चाहो तो ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो सो आप एक टीम में डिकॉक को छोड़कर एक बहुत अच्छी बैलेंस टीम और बना सकते हैं। सो आप इसमें डिकॉक को अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो मैं तीनों विकेट कीपर के साथ गया हूँ। बैटिंग सेक्शन में मैं डुप्लेसिस, आमला और डुसन तीनों के साथ गया हूँ। गेल बहुत अच्छी ऑप्शन है, तीनों अभी तक जो दोनों मैच हुए हैं जो वेस्ट इंडीज़ के, उनमें से दोनों में अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, और मतलब तो अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं बट जल्दी आउट हो गए। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक आज के मैच में हो सकते हैं। हिटमायर जो अभी तक शांत हैं, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पिक हैं। डेविड मिलर हमेशा एंड में आके रन करते हैं, सो काफ़ी अच्छी पिक बनती है ग्रैंड लीग के लिए। डुसन की थोड़ी ग्रोइन इंजरी बता रहे हैं, सो अभी हाई चांसेस हैं आज खेलेंगे, बट ये कन्फर्म नहीं है। अगर ये नहीं खेलते तो माक्रम खेलेंगे, इसलिए फाइनल टीम के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं, डैरन ब्रावो नहीं खेलेंगे और लुइस ओपनिंग करेंगे, सो ये काफ़ी अच्छी पिक है, अभी तक शांत रहे हैं सो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत अच्छी पिक्स हैं आज, रसल और होल्डर तो लेने ही लेने हैं, साथ में मॉरिस, फेकलवायो, डोमिनी, ब्रेथवेट, ये कुछ बहुत अच्छे पिक्स हैं। आप इनके पॉइंट्स देख सकते हैं, सबने कंसिस्टेंट पॉइंट्स ये दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं मॉरिस को लेता हूँ या फेकलवायो को, मेरा मन है मॉरिस को आज लेने का, लेकिन उससे फिर बैलेंस टीम थोड़ी नहीं बन पा रही है, सो इस वजह से मैंने मॉरिस के साथ नहीं गया हूँ। और मैं बॉलिंग सेक्शन में ताहिर को लिया है, रबाडा को लिया है, क्योंकि मैं बॉलिंग से सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम है, अब बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोलैप्स कर सकती है अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट, क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है, सो ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये एक सिर्फ प्रिडिक्शन है, हो सकता है, क्योंकि मैंने जो टीम बनाई है वो साउथ अफ्रीका फेवरेट टीम बनाई है। अगर आप चाहें तो वेस्ट इंडीज़ को भी, आपको लगता है वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, तो वेस्ट इंडीज़ फेवरेट टीम आप बना सकते हैं। लुंगी अंगिडी नहीं खेलेंगे, रोच भी नहीं खेलेंगे, गैब्रियल के भी चांसेस बहुत कम है,
कॉकट्रेल और थॉमस बहुत अच्छी पिक्स हैं। आज हाई चांसेस है आज हैंड्रिक्स के खेलने के शमशी की जगह, अगर ये खेलते हैं तो इनको मैंने लेके रखा है अभी के लिए। सो फाइनल टीम के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और ये रहा मैच प्रीव्यू, ये रहा हमारे टीम का प्रीव्यू। मैं कैप्टनशिप दे रहा हूँ डुप्लेसिस को और वाइस कैप्टनशिप दे रहा हूँ अमला को। बहुत अच्छी अच्छी पिक्स हैं। आप होल्डर रसल, शे होप बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, आज काफ़ी लोगों का कैप्टन होगा ये शे होप और डीकॉक, ये कुछ पिक्स हैं जो आप इनके साथ हम जा सकते हैं। सो लेकिन मैं गया हूँ डुप्लेसिस के साथ और वाइस कैप्टनशिप दी है मैंने अमला को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, बिना तो बिल्कुल ना जाना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू गाइज।